कैप्टन शर्मा रिएक्शन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर नहीं, मतलब उनकी वीडियो है जो कि डॉक्टर, जिसका टाइटल है डॉक्टर जायर नाइक वर्सेज रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा और डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है। सो इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या है वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या बताया गया है। जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाएगा। आखिर भारत कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे वालदेन की 5वीं औलाद हूँ, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालदेन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे मैंने कहा, 2 चीजें वह है। एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सलूशन है ज़कात। जैसे मैंने कह चुका हूं मेरी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक मल्थ्यूसियन थ्योरी था। आप जानते हो मल्थ्यूसियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का, पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं, आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा, आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तुम कहते हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुभान व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में। पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरा अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देंगे। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते, बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती,
पहले आयत में कहा गया कि आपको रिज देंगे आपके बच्चे को भी, दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिज देंगे आपको भी देंगे, मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो ये पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वालदे है, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा बच्चा भी मरूंगा, अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे आपके बच्चे को भी। वो दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि यू नो 3-4 साल बाद मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो, तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है आपको भी देता है, ऑर्डर इज इंटरचेंज। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे अपने वालदेन के नोबेल प्राइज मिला, तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुबहाना व ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है, इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि माँ ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टरों ने के नाते जानते होंगे कि जब माँ अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अम्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुबहाना व ताला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। शादी करती है वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, पांचवे से, सातवें से। जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहि सलाम बाइबल में कहते दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर। आप मुझसे पूछेंगे एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? उन्हें सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। वो ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे, जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे, आप समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्शुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा। तो वहाँ ऐसा सा मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी, पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझे कि नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी, हूर मतलब अ ब्यूटिफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा, यही आंसर है। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में, आंसर यही है, खुश है ना आप? दैट वाज द आंसर। करेक्ट, करना चाहिए क्या, मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए, जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालदेन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया सूरह लुकमान की सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालदेन से हुस्ने सलूक करें, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है, लेकिन अगर आपके वालदेन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालदेन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप आपके वालदेन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, ये फ़र्ज़ है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज़ कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए
और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासर होना चाहिए, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो गाइस हियर इज द वीडियो ऑफ जो कि डॉक्टर जाकिर नायक के और रामदेव बाबा का, जैसा कि स्टार्टिंग में वो था कि पॉपुलेशन कम करो, बट डॉक्टर जाकिर नायक का जो आंसर था वो ये था कि पॉपुलेशन कम करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स आपको ये सीखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि एक कंट्री जो है कैसे डेवलप कर सकती है और कैसे उसको चला सकते हैं, ना कि पॉपुलेशन कम करके। ये बात सही है कि पॉपुलेशन कम करके कोई ऐसा कुछ होगा नहीं कि हाँ हम तभी कंट्री को चला पाएंगे या फिर पॉपुलेशन कम होगी तभी हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को ये आना चाहिए कि हाँ हम कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और कैसे हम एक कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक, मतलब एक इस वीडियो से इतना अच्छा नॉलेज और एक वीडियो से इतना कुछ जानने को मिल गया कि मैं आगे इनकी और भी वीडियो ज़रूर देखना चाहूँगी। सो मुझे अच्छा लगा इनका ये वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो पर देखना, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिल जाए। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और कौन कौन सी वीडियो पर मैं आपको रिएक्शन करूँ या नहीं करूँ, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइस, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।